दिल्ली इंतजामिया की तरफ से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस लोग साफ पानी पीने से महरूम हैं। गुजरांवाला में वाटर सप्लाई का मौजूदा निजाम 1965 से चला आ रहा है। उस दौर में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 11 टैंकियां बनाई गईं, जो अब तक हैं। 45 साल कबल बिछाई गई पाइपलाइंस, जो 30% आबादी को पानी फराहम कर रही हैं, अपनी मुद्दत कब की पूरी कर चुकी हैं, लेकिन इन्हें आज तक तब्दील नहीं किया गया। आलूदा पानी पीने से हर चौथा शख्स मुजी अमराज में मुबतला हो रहा है। 5 साल कबल वफाकी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के तावन से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए की लागत से 8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए, लेकिन आला हुकाम के दरमियान इख्तलाफात की वजह से ये अब बंद पड़े हैं। सिर्फ UNDP के तहत एक फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है, जबकि वासा की जानब से पीने के साफ पानी की फराहमी का सिलसिला भी फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस रुका हुआ है। वासा हुकाम के मुताबिक आलमी बैंक के प्रोग्राम के तहत पीने के साफ पानी का मंसूबा शुरू किया गया है, जिस पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। शहर में 24 नए ट्यूबवेल और बसीदा पाइपलाइन तब्दील करने के अलावा 21 नए ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं, जबकि 140 किलोमीटर नई पाइपलाइंस भी बिछाई जा रही हैं। वासा हुकाम का कहना है कि शहरियों की जानब से यूटिलिटी बिल्स की अदम अदायगी वासा की तरक्की में रुकावट का सबसे बड़ा सबब है। करोड़ों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन यूसुफ रशीद के साथ सुफियान आरिफ, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इज्तमाई शादियों की तकरीब में। निकाह सुन्नत है, नबी करीम के इस इरशाद को तमाम मुसलमान चाहे वो गरीब हों या अमीर पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से कई गरीब घरानों की बच्चियां जहेज ना होने की वजह से उम्र भर कुंवारी रह जाती हैं। इस हवाले से फैसलाबाद के इलाका समुंदरी में मौजूद अल शरीफ फाउंडेशन की जानब से इज्तमाई शादियों का इनेकाद किया गया, जिसमें 17 जोड़ों को शादी के बंधन में परोया गया। अल शरीफ फाउंडेशन की जानब से शादी के बंधन में परोने वाले फी जोड़े को 50,000 रुपए का जहेज दिया गया। इस मौका पर गरीब खानदान से तल्लक रखने वाले जोड़ों के वालदैन ने फाउंडेशन के इस इकदाम को बहुत सराहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर, चौधरी शफीक गुजर MPA और मियां मोहम्मद हनीफ चेयरमैन हलाले अमर पंजाब के अलावा जिला भर के सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया था। अल शरीफ फाउंडेशन के जेर इंतजाम होने वाली 17 बच्चियों की शादियाँ आसान इकदाम है। कैमरामैन आबद हुसैन के साथ खादम हुसैन गिल, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बाउद्दीन में सरगोधा लालामुसा रेलवे लाइन पर, जहाँ अनमैन रेलवे फाटक हादसात का मौजा बन रहे हैं। पाकिस्तान में गरीब और मुतवस्सित तबका के लिए ट्रेन एक ऐसी सफरी सहूलत है जो सस्ती और आरामदेह होने की वजह से इनके लिए इत्मीनान बख्श है। गुज़श्ता चंद सालों से रेलगाड़ियों के हादसात का शिकार होने की वजह से रेल के मुसाफरों में गहरी तशवीश पाई जाती है। रेलगाड़ियों के हादसात की जहां और काफी वजूहात हैं, वहां रेलवे के ओपन फाटक, जिसे रेलवे की इस्लाह में अनमैन गेट कहा जाता है, हादसात की एक बड़ी वजह बनते हैं। सिर्फ लालामुसा मंडी बाउद्दीन सरगोधा रेलवे सेक्शन और इसकी ब्रांच लाइनों पर 150 से ज्यादा अनमैन फाटक मौजूद हैं, जिसकी वजह से चंद सालों में 50 से ज्यादा मर्द, खवातीन और बच्चे रेलवे के हादसात के बायस लुकमा अजल बन चुके हैं। महकमा रेलवे किसी भी महकमा को रेलवे लाइन पर क्रॉसिंग या गेट लगाने की इजाजत और गेट लगाने के अखराजात इस महकमा से डिमांड करता है, और इस महकमाना प्रोसेस पर साल साल लग जाते हैं, जबकि रेलवे लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोग महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी की वजह से अपनी सहूलत के लिए क्रॉसिंग बनाकर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर ट्राली और रेड़े गुजारना शुरू कर देते हैं, जो बड़े हादसात का मौजब बनते हैं। महकमा रेलवे इन हादसात का जिम्मेदार आम लोगों को करार देता है। महकमाना मजबूरियां एक तरफ, लेकिन ये मजबूरियां इंसानी जिंदगियों के ज़िया का बायस नहीं बननी चाहिए। हुकूमत की जानिब से ऐलानात के सिवा अमली तौर पर रेलवे के मुसाफिरों को बुनियादी सफरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया है, और इसी तरह रेलवे लाइनों पर हादसात की रोकथाम के लिए ताहाल कोई ठोस जामिया हिकमत अमली अख्तियार करके इस पर अमल दरामद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रेलवे के मुसाफर दौरान सफर अपनी जिंदगियों के अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। अनमैन रेलवे फाटक महकमा रेलवे हुकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ फौरी तौर पर अमला तैनात करके इंसानी जिंदगी को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। मैं हूँ सियालकोट से हाफिज इमरान, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे रोड पर, जिसकी तमीर में तखीर और सुस्त रवि की वजह से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के वस्त में वाकया मसरूफ तरीन रेलवे रोड की तमीर एक साल पहले शुरू की गई। 1.25 किलोमीटर लंबे और 50 फुट चौड़ाई के इस अहम तरीन रोड पर सरकारी और निजी तलीमी इदारे, हस्पताल, रेलवे स्टेशन और अहम कारोबारी मराकज कायम है।
इस रोड की तमीर में तखीर की वजह से जहां तालिबे इल्मों, मरीजों और शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है, वहीं पर ताजर भी सख्त परेशान हैं। सड़क के अतराफ वाकया कारोबारी मराकज के ताजरों का कहना है कि सड़क की तमीर में सुस्त रवि की वजह से उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें दो वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। दूसरी जानब इस अहम और मसरूफ तरीन रोड के सिर्फ एक तरफ नाले की तमीर की जा रही है, जिसकी चौड़ाई और गहराई कहीं से ज्यादा है और कहीं से कम, जिसके बायस निकासी आब का निज़ाम बेहतर ना होने से रोड तमीर के बाद ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता और टूट फूट का शिकार हो जाएगा। जबकि सड़क के बीच में वाकया बिजली के खम्भों को भी हटाया नहीं गया, जिससे ट्रैफिक हादसा की सूरत में कीमती इंसानी जानों के ज्या का खदशा है। लोगों का कहना है कि शहर में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उन्हें आमदोरफ्त में आसानियां पैदा हों। कैमरामैन सईद इकबाल के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज, सियालकोट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चश्मा झेलम लिंक कैनाल पर। चश्मा झेलम लिंक कैनाल पर पंजाब और सिंध के इजलास के बाद गुज़श्ता रात से झेलम लिंक कैनाल में पानी की कमी के अहकाम अरसा इस्लामाबाद से जारी हो गए, जिसके बाद तकरीबन 9:25 पर फी घंटा पानी की कमी शुरू हो गई, जबकि इससे पहले झेलम लिंक कैनाल में 5000 क्यूसिक पानी चल रहा था, जबकि हुकूमत और अरसा के इजलास के बाद अब इसमें 3000 क्यूसिक पानी चल रहा है। रात से अब तक 2000 क्यूसिक पानी की कमी कर दी गई है, जबकि वहां पर मौजूद एहलकारों के मुताबिक 10000 क्यूसिक पानी जस्ट झेलम लिंक कैनाल में छोड़ा जा सकता है। इस नहर के बंद होने से अगर सिंध में एहतजाज कम हो जाएगा, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो चश्मा झेलम लिंक कैनाल से मुस्तफीद होते हैं, गंदम की मौजूदा फसल को दरकार पानी नहीं दे सकेंगे। वाबडा के मकामी एहलकार ने नहर की मौजूदा बंदिश पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने सूरत हाल पर अरसा के इस्लामाबाद में मौजूद आला हुकाम से राबता करने का मशवरा दिया। ये बंदिश अरसा के अहकाम पर हुई। चश्मा झेलम लिंक में पानी की कमी की वजह से पंजाब की जरई जमीनों में काश्त गंदम, सूरजमुखी, मकई, प्याज, खरबूज, तरबूज तमाम सब्जियात को शदीद नुकसान होगा। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ फैसल अवान, दुनिया न्यूज, मियांवाली। मैं हूं अहमद शेरवान और इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद में। 125 बेड्स पर मुश्तमिल 1982 में कायम होने वाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद आज भी बेशुमार मसाइल का शिकार है। ये शुरू में साबिक वजीर दाखिला मलिक नसीम आहिर और मलिक खुदा बख्श टिवाना की सियासी चपकलश और इनके माबैन रसाकशी की नज़र हो गया था। हस्पताल की मौजूदा इमारत के तामीराती काम में भी मकामी सियासतदान 18 साल रुकावट का बायस बने रहे। इस अस्पताल का इफ्तिताह सन 2000 में साबिक सदर परवेज मुशरफ ने किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद पंजाब का पहला DHQ अस्पताल है जो 125 बेड्स पर बनाया गया है, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 225 बेड्स पर मुश्तमिल है। इस अस्पताल में फंड्स मरीजों की तादाद के मुताबिक कम है, अद्वियात न होने के बराबर हैं, मेडिकल अफसरान, नर्सेज और डिस्पेंसरों की तादाद कम है। स्टाफ हस्पताल में अपनी हाजिरी गुनाह कबीरा समझते हैं। हस्पताल की लेबार्टी में हर किस्म के टेस्टों की सहूलत तो है, लेकिन पैथोलॉजिस्ट की अदम दस्तयाबी के बायस मर्ज की तशखीस में दिक्कत का सामना है। दौरे जदीद में ऐसी सहूलत से महरूम होना लम्हा फिक्रिया है और मरीजों को इन टेस्टों के लिए लाहौर या सरगोधा जाना पड़ता है। अद्वियात की मद में हस्पताल को मिलने वाले फंड से मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि गरीब लोग प्राइवेट स्टोरों से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। नाकाफी फंड्स की वजह से मरीज एक्सरे जैसी सहूलत से भी महरूम हैं। नए निज़ाम के बाद इस ज़िला के मकीनों के मसाइल में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। किसी भी इलाका की तमीर और तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ पर मौजूद रहायशों की बुनियादी सहूलतों को देखा जाता है। कैमरामैन अहमद अशरफ के साथ अहमद शेरवान, दुनिया न्यूज़, खुशाब।